भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती शिक्षक दिन म्हणून संपूर्ण देशात साजरा करण्यात येते. या राष्ट्रीय शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते खारघर तळोजा शहरातील विविध शाळेतील 20 शिक्षकांचा सत्कार भारतीय जनता पार्टी शिक्षक सेल खारघर मंडळाच्या वतीने करण्यात आलाय. ग्रीन फिंगर ग्लोबलच्या अनिता चौधरी, न्यू सिटी इंटरनॅशनलच्या शुभांगी चौरे, रामशेठ ठाकूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्सच्या प्रिन्सिपल दुर्गा मौर्या, गोखले स्कूलच्या गौरी शिंदे, डीएव्ही स्कूलच्या रश्मी जोशी, सिनर्जीचे राहुल व अभिषेक अरोरा सर, ज्ञानज्योत कॉलेजचे संदीप टोंगरदिवे, सीजेएम स्कूलचे संतोष पवार, हार्मोनी स्कूलच्या अंजू सलारिया, रेड क्लिफ स्कूलच्या वर्षा गणेश कुमार, आरआयसीच्या प्रणाली जाधव, ब्राईट किड स्कूलच्या उमेरा खान, जिल्हा परिषद शाळा मुरबी येथील अनिता शिर्के, ब्युटिफुल टुमॉरो फाउंडेशनच्या रुपल धनेशा, सामाजिक शिक्षिका आयशा अनवर खान, अपिजय स्कूलच्या संजना चव्हाण, हार्मोनी सेक्टर 5 स्मिता रौत्री, ब्राईट किड स्कूलच्या नाजनीन खान, रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलच्या सुजाता जाधव या शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. सन्मान सोहळ्यानंतर खारघर मंडळ शिक्षक सेलच्या सदस्यांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आले. यावेळी प्रभाग समिती असभापती अनिता पाटील, नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, हरेश केणी, शत्रुघ्न काकडे, ॲडव्होकेट नरेश ठाकूर, नगरसेविका नेत्रा पाटील, महिला मोर्चा अध्यक्षा वनिता पाटील, खारघर मंडळ अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सरचिटणीस दीपक शिंदे, उपाध्यक्ष दिलीप जाधव व रमेश खडकर, समीर कदम, सोशल मीडिया संयोजिका मोना अडवाणी, महिला मोर्चा सरचिटणीस साधना पवार, महिला मोर्चा उपाध्यक्षा आशा बोरसे, किरण पाटील, ॲडव्होकेट राजेंद्र अग्रवाल यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. सबसे पहले मैं आप सभी के माध्यम से मैं आज उम्र 47 हो गई है, पर हम सब लोग अपने अपने जीवन में हरदम आखिरी क्षण तक कुछ ना कुछ सीखते हैं. ऐसे सिखाने वाले सभी गुरुओं को और उनके साथ साथ खारघर आज जिनके माध्यम से सीख रहा है, ऐसे आप सभी को वंदन करना चाहता हूँ, आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ. और आज सभी को सम्मानित करके हम सभी को एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए आप सभी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ. सही मायने में हम भारत के रहने वाले लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे देश में कई सदियों से गुरु शिष्य की परंपरा चलती आई है, कि जिसके चलते शिक्षक के प्रति समाज में बहुत ही सम्मान की भावना आज हमें दिखाई पड़ती है. आमतौर पर हम में से कई सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द है, सामने बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, पर आज के समय में अगर सबसे ज्यादा सम्मान मान अगर किसी को दिया जाता हो तो माता पिता के बाद गुरु का स्थान आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा में है. और उसी के बदौलत आज भी हमारा विद्यार्थी जो आज है, अपना गुरु कहीं मिल जाए तो आमतौर पर गुरु के चरण स्पर्श करके आज वो अपने आप को धन्य समझता है, अपने आप को यहाँ पर उपकृत समझता है. ये परंपरा जब तक हमारे देश में जीवित रहेगी तब तक हमारे देश का ये जो पूरे विश्व की परंपराओं को कायम रखने वाला स्थान, वो ये हमसे नहीं छीन पाएगा.